मंथन इतना बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में पहली बार हुआ, आपके मार्गदर्शन में हुआ, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आए, सभी प्रोफेसर्स आए, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आए, आपने एक अथक प्रयास किया, इसके लिए हम सभी धन्यवाद भी देते हैं। हम चाहेंगे कि आप शिक्षा मंथन को किस तरह देखती हैं कि आने वाले समय में इसका विस्तार कैसे हो। देखिए, पहला तो सबकी ये सोच बननी चाहिए कि केजी से लेकर पीजी तक हम क्या चाहते बच्चों को पढ़ाने, केजी से क्या सिखाएंगे, कक्षा एक में क्या करेंगे, दो में क्या करेंगे, तीन में क्या करेंगे, मतलब एक लगातार बच्चों के लिए पीजी तक सभी सब्जेक्ट में ये होना चाहिए। हम अभी तक ये कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में। ये जो नई शिक्षा नीति आने की वजह से इसमें बदलाव होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कक्षा एक से लेकर इसके पहले तीन साल आंगनवाड़ी के लिए भी सोचा है, और एक से पाँच तक भी सोचा है, और छः से बारह तक सोचा है, और इसके बाद कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी है। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि सभी डिपार्टमेंट ने सोचना पड़ेगा। अभी महिला बाल कल्याण विभाग, पुष्टाहार, जो ये तीन साल के बच्चों के लिए नहीं सोचेगा, तो दो साल तो हो गया, अभी दो साल तक भी आप बैठे रहे हो और नहीं करते हो। दूसरा, एक कक्षा से लेकर पाँचवीं कक्षा तक आप क्या सिखाना चाहते हो? भारतीय परंपरा सिखाना चाहते हो तो कोर्स तो तैयार करिए, योगा सिखाते हैं तो उनका तो कोर्स तैयार करिए, उनको क्या खिलाना है मध्याह्न भोजन योजना में? जब हम मिलेट की बात करते हैं तो क्या मध्याह्न भोजन योजना में तुरंत उसका शामिल नहीं होना चाहिए? इसमें हम परंपरागत खेल की बात करते हैं तो तुरंत उसका उपयोग कर देना चाहिए कि भाई इसमें तो कोई खर्च है ही नहीं, क्या कबड्डी खेलना है, वो खेलना है तो ओपन मैदान में खुला बच्चों को कर सकते हैं। छठी कक्षा से छोटा छोटा उद्योग सिखाने के लिए भी बात की है, लेकिन अभी तक सोचा ही नहीं। छठी से बारहवीं कक्षा तक आज सोचेंगे कि ये कैसे बना है, ये नहीं सोचेंगे, ऐसे सिखाएंगे नहीं हम। तो ये छोटे छोटे बच्चों को उद्योग में, छोटे छोटे रोजगार में कैसे रुचि होगी? और अलग अलग कार्यक्रम बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को भी पता चलेगा कि मेरे जो बेटा बेटी है उसमें क्या रुचि है, उसको मैथ्स पढ़ना है, उसको साइंस पढ़ना है, उसको स्पोर्ट्स पढ़ना है, या तो उसको पेंटिंग में जाना है, आर्ट्स में जाना है, उनको पता ही नहीं चलेगा। हम तो चिल्ला चालू पद्धति से वे लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये दिक्कत है हमारे लिए। उस मतलब मेरा कहना है कि जैसे ही हमारी नई पॉलिसी आई, तुरंत ही सभी डिपार्टमेंटों काम का आरंभ कर देना चाहिए, महिला बाल कल्याण को करना चाहिए, और सबको साथ में बैठकर करना चाहिए। वो अलग से करेंगे तो केजी में क्या पढ़कर आए हैं, कहाँ तक मैथ साइंस पढ़ाया है, इसके आगे उसको ले जाना है, नहीं तो रिपीटेशन होगा या तो कुछ छूट जाएगा। तो सब मिलकर हमें हमारा कोर्सेस, हमारी एक्टिविटीज़, ये सब कुछ कर देना चाहिए। इसमें हमारी कमियाँ हैं, और ये कमियाँ दूर करने के लिए हमने शिक्षा मंथन रखा है, क्योंकि ये सब काम केंद्र सरकार से जुदी जुदी जो अलग अलग प्रकार की एजेंसियाँ है उसके द्वारा हो रहा है, और वहाँ से तुरंत कोई नई कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी की संबद्धता नहीं मिलती है तो इधर प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, हमारी जो एग्ज़ाम सिस्टम है इसमें काफ़ी बदलाव करने की आवश्यकता है, हमारी अध्यापकों की ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, कि हमारा देश ऐसा नहीं है कि एक नया पेंटिंग का आया तो नया शिक्षक टीचर ले लो, ये तो जहाँ जो स्टाफ है उनको ही सिखाना पड़ेगा, इतना खर्च हम नहीं कर सकते हैं। तो उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आप धीरे धीरे करके सीखो, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगा, तो फर्स्ट ईयर में तो आप कर सकते हो, पढ़ कर आए हो वहाँ, फिर आपने एमए या तो एमएससी किया है। तो ये जो सोच है ना अध्यापकों की, वो भी बदलनी पड़ेगी। ये सब में सब के लिए अध्यापक, सब के लिए वो। दूसरा, बच्चों को जोड़ना पड़ेगा इसमें। कई ऐसी प्रवृत्ति है जो बच्चों की टीम बना दो वो आपसे भी अच्छा काम करेंगे, बच्चों से भी अच्छा काम करेंगे। मैम, एक छोटे से पूरे प्रदेश में एडमिशन अब शुरू हो जाएंगे, नए बच्चे आएंगे जो 12th पास करके पहली बार यूनिवर्सिटी सिस्टम में आएंगे, पिछली बार से हर बार अलग होना चाहिए, आपने हर बार आने के बाद एक नया मोटिवेशन दिया है, क्या होना चाहिए अगले सत्र में बच्चों के लिए या आने वाले समय?
बच्चों को पहचानो पहले तो, और पहचान तब होती है कि बार बार आप बच्चों को मिलते हो, उसके साथ चर्चा करते हो, तब पहचान होती है। हम तो मिलते ही नहीं बच्चों को के फर्स्ट ईयर का है, और मैं भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ बच्चों से, लेकिन उसको मोटिवेट करो कि भाई रेगुलर क्यों आना पड़ेगा, आपको क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई एग्जाम्पल दो बच्चों के सामने। जो हमारे टीचर है उसके साथ मेंटर ही करे, उनके साथ बैठे हुए लोग कहाँ से आए हैं, पप्पा जी क्या करते हैं, माता जी क्या करती है, आर्थिक संपन्नता कितनी है, ये सब उसको पूछना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इस पर बुक नहीं है। तो यदि आप उसका अरेंज कर सकते हो कि भाई ये 10 बच्चे हैं जिसके पास बुक ही नहीं है, 10 बच्चे गांव से आए हैं, इंग्लिश में तकलीफ़ है, और फर्स्ट ईयर से इंग्लिश शुरू हो गया, हिंदी मीडियम में पढ़ कर आए हैं, अपनी अलग अलग भाषाओं में पढ़ कर आए हैं, और इधर इंग्लिश में लेक्चर आप दे दे तो पहले ही दिन तो वो तो घबरा जाएगा, अरे मुझे कुछ पता ही नहीं है चलता है। तो आप मीडियम वाली जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो उसको सबसे पहले दो कि हिंदी मीडियम की है, आप पढ़ कर आइए, और इंग्लिश में आप समझाओगे तो थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फर्स्ट ईयर से शुरू होनी चाहिए। और मैं मानती हूँ 8-10 ऐसी स्पर्धा का आयोजन कर देना चाहिए, इसमें जो पता चलेगा कि ये जो 100 नए बच्चे आए हैं इसमें क्या क्वालिटी है, तो क्वालिटी के हिसाब से पुराने छात्रों के साथ उसको आप जोड़ सकते हो, तो जो अंतर है वो मिट जाएगा और दोस्त बन जाएंगे सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।